मंदसौर यशनगर में कलेक्टर विधायक ने किया निरीक्षण। गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंद महिलाओं को निशुल्क दिए जाएंगे 50 ई रिक्शा। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला मुख्यालय पर गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा समय समय पर जरूरतमंदों की मदद बड़े पैमाने पर की जा रही है। पूर्व में कोरोना जैसी महामारी में ट्रस्ट द्वारा 2 करोड़ से अधिक लागत की ऑक्सीजन कंसेंटर मशीनें निशुल्क प्रदान की गई थी। अब एक नया नवाचार गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट ने मंदसौर नगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग और जरूरतमंद महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें रोजगार से जोड़ने हेतु ट्रस्ट की ओर से 26 जनवरी को निःशुल्क ई रिक्शा दिए जाने की योजना आरम्भ की और मात्र 2 माह में योजना के मूर्त रूप ले लिया है। मंदसौर के वात्सली पब्लिक स्कूल में ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को ई रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं में 3 दिव्यांग बहनें भी सम्मिलित हैं। इन प्रशिक्षित महिलाओं को शीघ्र ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों ई रिक्शा प्रदान किए जाएंगे और आने वाले समय में ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिलाई मशीनें भी प्रदान की जाएगी। ट्रस्ट के इस नवाचार का मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और कलेक्टर गौतम सिंह ने सराहना करते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री गनेड़ीवाल के इस नवाचार पर उन्हें बधाई दी। मंदसौर शहर में अब रिक्शा बड़ी संख्या में दौड़ेंगी। इसको लेकर महिला और लड़कियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं ई रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। मंदसौर शहर में ई रिक्शा चार्जिंग के लिए व्यवस्था भी की जाएगी। उसको लेकर कलेक्टर और विधायक द्वारा जगह को जल्द से जल्द चिन्हित किया जाएगा। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए 4:50 पर बुधवार को बताया कि 26 जनवरी को अर्थ घुमक्कड़ जनजाति की महिलाओं को ई रिक्शा प्रदान की गई थी और एक ट्रस्ट आगे आया है। जरूरतमंद महिलाओं को चिन्हित कर इस तरह से उन्हें ई रिक्शा दी जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी निशुल्क, जिससे वह अपना घर का भरण पोषण कर सकेगी। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मंदसौर शहर के लिए यह एक बड़ी सौगात है कि अब शहर की सड़कों पर महिलाएं बड़ी संख्या में ई रिक्शा दौड़ाती हुई नजर आएंगी। विधायक सिसोदिया द्वारा कहा गया कि 1 महीने में एक बार हम लोग भी किसी भी कार्यक्रम में जाने के लिए इसी ई रिक्शे का उपयोग करेंगे और उसका शुल्क भी हम लोगों द्वारा चालक को दिया जाएगा। विधायक सिसोदिया और कलेक्टर गौतम सिंह द्वारा मंदसौर जिले की महिलाओं से अपील की गई है कि बढ़ चढ़कर अपना घर चलाने के लिए इस तरह से ई रिक्शा का संचालन करें। इससे शहर में आप जैसी कुछ महिलाओं को देखकर ही अन्य महिलाएं भी बिना डर के आगे बढ़ेंगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर के और ऐसी महिलाएं जो कुछ करना तो चाहती लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उनको करने नहीं देती है और ऐसी महिलाएं जो परित्यक्ता महिला है, मजबूरी की मारी महिला है, जिनके पति नहीं है और जो दिव्यांग है, ऐसी महिलाओं का चयन करना और उनको ई रिक्शा के माध्यम से, क्योंकि ई रिक्शा जो है वो मंदसौर की सड़कों पर अगर दौड़ेगा तो उनको जो एक व्यवस्थित व्यवस्था मिलेगी। मैं गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के श्री प्रदीप गनेड़ीवाल जी से मेरी निरंतर संपर्क में मैं इसलिए भी आया था कि वो कोरोना के कालखंड में इन्होंने काफ़ी मदद मंदसौर की थी और तब जब मंदसौर में 10 ई रिक्शा दिए गए थे तब इनका मन बना कि हम भी कुछ करें हमारी ट्रस्ट की ओर से, कुछ करें। 50 ई रिक्शा का इन्होंने ऑर्डर किया है, 30 ई रिक्शा आ चुके हैं और लगभग 27-28 महिलाएँ जिनके एप्लीकेशन आई थी, जिन्होंने इस बात की स्वीकृति दी है, एक अनुबंध हुआ है कि रिक्शा हम ही चलाएंगे, किसी को किराए पर, उप किराए पर, पट्टे पर नहीं देंगे और GPF भी इसमें लगेगा ताकि ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है गनेड़ीवाल ये इसकी मॉनिटरिंग कर लेगा और एक ड्रेस कोड भी रहेगा। और मंदसौर में मैं समझता हूँ कि बहुत एक अच्छा नया नवाचार इस ट्रस्ट के माध्यम से हुआ है और मैंने लगातार इसमें पार्टिसिपेट किया था विचारों के आदान प्रदान में। एक ई रिक्शा की कीमत लगभग मैं समझता हूँ कि 2 लाख रुपए है और ऐसे करीब 30 आ चुके हैं और 50 का हमने टारगेट तय किया था और अभी भी कुछ आवेदन आ रहे हैं। प्रदीप जी से मेरी बातचीत हुई थी तो कुछ बड़े कस्बे और हैं मंदसौर में जो नगर परिषद के हैं, जैसे मल्हारगढ़ हो सकता है, पिपला मंडी हो सकता है, सीतम शामगढ़ हो सकता है, दलोदा हो सकता है, तो वहाँ की भी अगर ऐसी महिलाएं जो मजबूरी में हैं, जिनके पति नहीं है, जिनके पति ने छोड़ दिया है, जो विधवा हो गई है, कल्याणी हो गई है,
और या जो दिव्यांग है, ऐसी महिलाएं अगर लेना चाहेंगी तो उनको खुद को चलाना पड़ेगा। और इसमें मेरी कलेक्टर साहब से भी निरंतर चर्चा हुई थी, कलेक्टर साहब और RTO इसको इनको परमिट कर रहा है। RTO विभाग में इन 27-28 महिलाओं में से तो लगभग 15-17 के लाइसेंस भी बन गए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब मंदसौर में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने आएंगे, जब पशुपतिनाथ मंदिर का जो विकास का काम देखने आएंगे, तब हम इन सारी जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, इनको ई रिक्शा मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम प्रदत्त करेंगे। धन्यवाद। मुझे तो बहुत खुशी है, आपको ध्यान होगा कि 26 जनवरी को हमने घुमक्कड़ विमुक्त जनजाति की महिलाओं को 10 ऑटो वितरित किए थे। और मेरा अपना मानना था कि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ महिलाएँ कम दिखाई देती हैं, और मंदसौर अगर इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर से देखें तो छोटा शहर माना जाता है। इसके बावजूद इस तरह के कार्यों में महिलाएं जिस तरह से बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि मंदसौर में महिला सशक्तिकरण की तरफ बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा है। जिस तरीके से मेरी अभी ट्रस्ट के चेयरमैन साहब से बात हो रही थी, महिलाओं के चयन में भी इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि इनकी आर्थिक ज़रूरतें, इनका परिवार, इनका बैकग्राउंड, और वो ऐसे रैंडमली किसी को नहीं पिकअप किया गया है। बल्कि मुझे ये भी बताया गया कि ये महिलाएं सब बड़ी संघर्षशील जुझारू किस्म की हैं, क्योंकि ये बहुत आसान काम नहीं होगा इनके लिए पुरुष जो ऑटो चालक हैं उनसे बाज़ार में मुकाबला करना। तो निश्चित तौर पे इनको हमारे देख रेख की भी ज़रूरत पड़ेगी, और इससे पूरे शहर की तस्वीर बदलने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी सर्कल ग्रुप्स के थ्रू हमने मंदसौर गार्लिक लॉन्च किया था, जो प्योरली महिलाओं पर आधारित था। फिर हमने जो स्मार्ट पार्लर है कलेक्ट्रेट में साची का, वो भी महिला संचालित कर रही है। इसके बाद आज 50 और ऑटो, तो मुझे लगता है कि मंदसौर बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है। इससे शहर में महिलाओं के प्रति लोगों के मन में सम्मान बढ़ेगा, महिलाओं के प्रति या लड़कियों को जो है इधर उधर आने जाने में सुरक्षा की भावना विकसित होगी, और शहर जो है कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नंबर वन हो जाएगा। थैंक यू सर। तो इन जो महिलाओं में जिन्होंने हमने जिनका चयन किया है वो या तो विधवा महिलाएं हैं या परित्याज्ञा हैं, या ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ न कुछ खोया है। नॉर्मली ये देखा गया है कि महिलाएं इस समय घर बैठ जाती हैं या किसी के ऊपर आश्रित हो जाती हैं। ट्रस्ट का प्रयास ये था कि ऐसी महिलाएँ बाहर निकलें, और उनको किसी के ऊपर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपना रोज़गार कमाए, और उसी के तहत ये 50 ई रिक्शा ऐसी महिलाओं को देने का ट्रस्ट ने विचार किया है। 30 महिलाएं हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर हो गई हैं, और अंचलों में जो छोटे कस्बे हैं मंदसौर के, वहाँ पर भी हम इस प्रयास को आगे लेके जा रहे हैं। इसके अलावा हम महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना रहे हैं, जहाँ पर हम महिलाओं को सिलाई मशीन देंगे। उसमें विधवा या उसका कोई बैरियर नहीं है, उसमें गरीबी का बैरियर है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके एक महिलाओं को सिलाई मशीन दे करके उनको भी अपना एक रोज़गार कमाने का अवसर दिया जाएगा। ट्रस्ट की कोशिश यह है कि ऐसी महिलाएं बाहर आए, अपने आप को डिमोरलाइज नहीं समझें, अब उनमें नई ऊर्जा आए, नई शक्ति आए, और वो बता सकें कि ठीक है हमारे साथ कुछ हादसा हुआ लेकिन हम किसी से कम नहीं हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, महिला सही शक्तिकरण बनाने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमको अपने पैरों पर सक्षम होने के लिए उन्होंने आगे बढ़ावा दिया है, और हमको रिक्शा चला के इतनी खुशी हो रही है अपने पैरों पर खड़ा होकर के कि हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रेरणा बनेंगे आप लोग आगे शहर की महिलाओं के लिए। जी जी। क्या नाम है आपका? ज्योति नामदेव।